in this video we will discuss about proper fraction so what is a proper fraction uh, so if you have a clear idea about rational fraction and fraction then understanding of proper fraction is very simple so हम start करते हैं कि proper fraction से पहले हम जरा बात करते हैं rational fraction के ऊपर हमने कहा था एक ऐसा fraction जिसमें अगर हम देखें ये एक fraction है 2x over x minus एंड प्लस टू तो हमने कहा था कि अगर देंगे और डिनोमिनेटर में भी अगर पोलिनोम है उसको हम ऑफ एक्स से अगर डिनोट करें अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं से तो अगर दोनों पोलिनोम है तो इसको हम रैशनल फ्रैक्शन बोलेंगे अब यहाँ से हम बात करते हैं कि अगर अगर डिग्री जो है पोलिनोमियल की डी में देखें डी नोमिनेटर की मैं बात करूँ अगर डीनोमिनेटर में पोलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो अगर ज्यादा है किस से नोमिनेटर से इन अदर वर्ड यू कैन से डेट इफ द डिग्री ऑफ नोमिनेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डी नोमिनेटर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इन डी नोमिनेटर देन द फ्रैक्शन इज नाउन एज देन दैट रैशनल फ्रैक्शन इज एज प्रॉपर फ्रैक्शन तो हम उस रैशनल फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन का नाम देंगे देखें डिग्री अगर हम बात करें डिग्री की तो हाईएस्ट पावर जो होती है पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर जिस टर्म्स की होती है जिस टर्म की होती है उसी को हम नाम देते हैं डिग्री का पावर या एक्सपोनेंट यानी अगर हम इसी को लिखें हम देख सकते हैं ये टू एक्स

इस पोलिनोमियल में डिग्री की बात करें तो आप देख सकते हैं इस पोलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है वो वन है तो हम कहेंगे ये जो पीओ एक्स है इसकी डिग्री जो है वो वन है इसी तरह अगर हम बात करें डिनोमिनेटर में जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री की तो इसमें देखें कौन सी टर्म है जिसमें पावर जो है वो मैक्सिमम आपको नजर आ रही है तो वो ये टू है तो इट मीन इसकी जो डिग्री होगी वो टू होगी ये डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल की तो हमने यही बात की है कि अगर नोमिनेटर के अंदर डिग्री कम हो डी से तो हम कहेंगे ये जो फ्रैक्शन है ये वाला ये रैशनल फ्रैक्शन जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा ये कहलाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन सो so, अब हम इसको डिफाइन कर लेंगे डिफाइन हम करेंगे अ रैशनल फ्रैक्शन रैशनल फ्रैक्शन fraction. Fraction. Yeah, अगर हम इसको एक्स भी बोल सकते हैं एक्स। और इसको हम नाम दे देते हैं एक्स का अरेशनल फ्लैक्शन एनोफेक्स डीओ विद ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है विद डी ऑफ एक्स जो है वो जीरो ना हो इस कार्ड्रॉपर इस तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा इफ डिग्री ऑफ इफ यते हैं इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल

पोलिनोम डी ऑफ एक्स इन डी नोम इन द डी नोम तो इस तरह के रैशनल फ्रैक्शन को हम नाम देंगे प्रोपर रैशनल फ्रैक्शन का तो अगर हम इससे रिलेटेड एक और एग्जाम्पल डिस्कस करें तो एग्जाम्पल है टू ओवर एक्स प्लस वन ओमा टू एक्स माइनस थ्री तो आप देख सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में जो इसकी पावर है वेरिएबल की वो कितनी है नोमीटर में कम है देखिए मैक्सिमम पावर अगर बात करें तो यहाँ तो ये यह इसकी डिग्री वन है और नीचे अगर बात करें तो मैक्सिमम पावर टू है तो इसकी डिग्री टू है तो नोमरेटर में डिग्री जो है वो कम है एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर के तो हम कहेंगे ये वो फ्रैक्शन जो है रैशनल फ्रैक्शन भी प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा और इसी तरह ये वाला भी प्रॉपर फ्रैक्शन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे वन है और यहाँ पे आपको वेरिएबल नजर नहीं आ रहा तो इट मीन वहाँ पे जो आपके पास एक्स की पावर जो है वो जीरो हो जीरो है इसकी पावर तो ऊपर कम है नीचे ज्यादा है डिग्री तो इस मीन हम कह सकते हैं ये भी एक प्रोपर फ्रैक्शन कहलाएगा